जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, इसके प्रकार के बारे में, ज्यामिति, उन सबके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं गोलीय दर्पण। मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इधर ध्यान दो। वह दर्पण जिसका प्रावर्तक पृष्ठ, प्रावर्तक पृष्ठ क्या होता है पहली बात तो ये सुनो, प्रावर्तक पृष्ठ किरण आई आने के बाद, मतलब ये आपका तल है, इससे टकराएगी, टकराने के बाद जो प्रावर्तित होती है ना, तो जिस तल से टकराने के बाद, ये पृष्ठ से टकराने के बाद वो प्रावर्तित होगी, वो क्या कहलाएगा आपका प्रावर्तक पृष्ठ। वो अंदर की तरफ यू या बाहर की तरफ इस तरह से, या तो ऐसे मुड़ा होगा या ऐसे मुड़ा हुआ होगा, तो वक्रित होगा, वक्रित होगा यानी कि मुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब आपकी डेफिनेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि या तो अंदर की तरफ वक्रित या बाहर की तरफ, मतलब जो ये अपने पास गोलीय दर्पण है ये कितने प्रकार की है, दो प्रकार की अपने पास ना, दो प्रकार की गोलीय दर्पण मिल जाते हैं अपने को। सबसे पहले जो गोलीय दर्पण है ना, इसको एक ना खोखला गोला है, जैसे कि ये मैंने गोले बना रखे, देखो जैसे ये खोखला गोला है, इस गोले का ना कटा हुआ भाग माना जाता है कि कोई खोखला गोला है, अंदर कुछ नहीं है, उसका उन्होंने क्या कर लिया, एक हिस्सा काट लिया, ये हिस्सा काट लिया उन्होंने, तो ये क्या कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। उससे इधर उन्होंने ये हिस्सा काट लिया तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब देखो ये गोलीय दर्पण इस साइड से हिस्सा काटा, ये क्या है बाहर की ओर वक्रित है, इसकी यहां पे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। जो दर्पण है ना, चाहे वो समतल दर्पण था, उसके भी एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड सीधी होती है, तो इसके भी अपने इस साइड पॉलिश करेंगे, और इसके क्या करेंगे अंदर की साइड पॉलिश करेंगे। ये जो मैं साइन बना रही हूँ, ये साइन मतलब यू है कि अंदर की साइड क्या है, इसकी पॉलिश ही हुई है। ये देखो ये साइड है इसकी पॉलिश, यहां पे अंदर की साइड इसकी पॉलिश की हुई है। अब बात करते हैं प्रावर्तक पृष्ठ की, प्रावर्तक पृष्ठ की बात करते हैं, प्रावर्तक पृष्ठ है। अब ये जो अंदर का जो इसका हिस्सा है ना, बाहर की साइड तो क्या होगी, पॉलिश होगी, किरणें कहां से आएंगी, यूं आएंगी और यहां से टकराने के बाद प्रावर्तित होंगी, तो इसका प्रावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, ये अंदर की साइड। इसका प्रावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, ये बाहर की साइड, क्योंकि पॉलिश की साइड है अंदर की साइड। उस हिसाब से ये क्या बन गया अपना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या बन गया अपना उत्तल दर्पण। मैंने अभी बताया आपको कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तो सबसे पहला प्रकार है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अवतल लेंस आप सबको पता है इस टाइप का होता है, क्यों ऐसे होता है, ये सिर्फ आपकी याद रखने के लिए बताया जा रहा है। देखो इसको अलग करो क्या निकला, इसको अलग करो क्या निकला, ये रहा, ये आपका क्या है उत्तल, ये आपका क्या है अवतल, देखो कैसे निकल रहा है, ये देखो यू, इतना सा भाग होगा अपने पास, अंदर की साइड क्या की हुई है पॉलिश, इसको निकालो, ये इतना भाग अपने को गोले में से निकलेगा, बाहर की साइड क्या की हुई है आपकी पॉलिश की हुई है। अब ये तो हो गया कि गोले दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं अपने गोले दर्पण की ज्यामिति की, कि गोले दर्पण कैसे कटा, किसके भाग, इसका क्या बनता है, सबके बारे में आज बात करेंगे। ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति तो आपको पता है इसकी बनावट संरचना क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ज्यामिति सबसे पहले आप सबको अभी भी मैंने बताया कि किसका भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, तो सबसे पहले अपने को क्या प्राप्त होती है, इतनी सी चीज, अवतल दर्पण ले लिया उन्होंने, ठीक है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, लिख लो अवतल दर्पण, ठीक है, बाहर की साइड क्या की हुई है इसके, पॉलिश की हुई है, पॉलिश करते। अब सबसे पहले इसकी बात आती है
ध्रुव की। सबसे पहले बात करते हैं अपने ध्रुव की। देखो ध्रुव, ध्रुव को क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में? पोल। इसको किससे दिखाते हैं अपने? पी से। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को अपने नाम नहीं लेते हैं, ये अपना क्या हो गया, एक परावर्तक पृष्ठ होगा, किरणें परावर्तित होंगी। परावर्तक पृष्ठ या इसको वक्र पृष्ठ कह लो, अपने लिख लिया परावर्तक पृष्ठ। एम एन का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ एम एन का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कौन सा हो गया इनके बीच का? यहां पे ये रहा, जो इनको बीच से दो पार्ट में डिवाइड करते वो क्या होगा? इसका मध्य बिंदु। तो इसको क्या कहेंगे अपने? का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना ध्रुव पी। अब उसके बाद बात करते हैं अपने वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि सी से सेंट्रल कह लो या सेंटर कह लो, कुछ ही कह लो, सेंटर लिखते हैं अपने। ठीक है, सेंटर हो गया मतलब बीच का बिंदु। अपनों ने माना हुआ है कि जो ये जो अपने पास गोले दर्पण है, ये किसका भाग है? तो गोले का बटा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसको अपने पूरा करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या था अपने पास? अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण को ये पूरा बना दो, मतलब ये इस जो खोखला बोला है ना, इसका कटा हुआ भाग है। ये क्या था? इसका परावर्तक पृष्ठ था। बीच में क्या था? ध्रुव, अभी तो बताया। इसको किससे लिखेंगे अपने? पी से। अब ये जो गोला है, इसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा ना, अपनों ने मान लिया इसका केंद्र क्या है? ये रहा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। जो मतलब जिस खोखले गोले से, जिस खोखले गोले से काट कर क्या बनाया जाता है? दर्पण। काट कर दर्पण बनाते हैं, सिंपल सी भाषा में याद करना। उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है आपका? वक्रता केंद्र यानी कि सी कहलाता है। वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे? सी से। तो ये क्या हो गया आपका? सी। वक्रता ध्रुव हो गई, वक्रता क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब बात करते हैं अपने वक्रता त्रिज्या की। त्रिज्या को आप सबको पता है कि क्या बोलते हैं अपने? रेडियस बोलते हैं। किससे लिखेंगे इसको? आर से लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या, जैसे वक्रता केंद्र था, जिस खोखले गोले से अपने दर्पण बनाया है उसी का जो गोले का केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा दर्पण का। उसी प्रकार उसी खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? दर्पण की त्रिज्या। जैसे अपने यहाँ पे ये खोखला ये केंद्र है, यहां से यहां तक इस पी को यहां मानो बीच में सेंटर, यहां तक अपनों ने एक लाइन खींच ली, मतलब क्या कर दिया अपनों ने? ये त्रिज्या खींच ली। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वही उस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या क्या होगी? सी पी। देखो सी पी अपने पास त्रिज्या है, सी पी बराबर क्या हो गया? त्रिज्या प्लस सी पी अपने को वक्रता त्रिज्या अपने पास रहा, क्योंकि आर से डिनोट करते हैं, यहां लिखते हैं ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं अपने मुख्य अक्ष की। सब बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ना एक काल्पनिक रेखा होती है, रियल में नहीं होती। आप कोई भी दर्पण उठाओगे उसके आर पार यूं कोई रेखा नहीं होती कभी भी, इसको काल्पनिक रूप से माना जाता है। तो ये जो हमने मुख्य अक्ष आपको बनाकर ही दिखाती हूं मैं। देखो वक्रता केंद्र, सबसे पहले देखो होती क्या है। वक्रता केंद्र सी, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? आर से जाने वाली रेखा,
वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो वक्रता केंद्र कहाँ पे है अपना? सी यहाँ, और त्रिज्या क्या है ये? यहाँ। इसको आगे बढ़ा दो, नीचे लिख लो, इसको यूं आगे बढ़ा दो, स्केल से बना लेना, सीधी बन जाएगी। यूं आगे बढ़ा दिया इसको, तो क्या अपने को प्राप्त हो गई? मुख्य अक्ष प्राप्त हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज हो गया। अब बात करते हैं अपने फोकस दूरी, सॉरी फोकस की बात करते हैं। सबसे पहले फोकस, फोकस को किसे लिखते हैं? बड़े अक्ष से। फोकस होता क्या है? सबसे पहले ऊपर वाला हटा देते हैं, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि फोकस होता क्या है। फिर इसको ऊपरी बात करते हैं अपने फोकस की। आज हम चल रहे थे अपनी डेफिनेशन, बड़े अक्ष से लिखते हैं अपने पास ना। मान लो कोई क्या है, ये है अपने पास, क्या है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण के बीच में क्या हो गया? ध्रुव। ये यहाँ केंद्र से लाइन खींच दी और आगे क्या बना दिया उन्होंने इसको? मुख्य अक्ष। यहाँ बना दिया मुख्य अक्ष बना दिया। ये पी है, ये सी है, एम एफ है, और ये वाली साइड क्या है आपकी? पॉलिश की हुई है। अब यहां से कोई किरण आएगी, ये किरण आएगी, और यहां से कोई किरण आएगी, आगे तो जाएगी नहीं क्योंकि आगे क्या है? पॉलिश किया हुआ है। तो टकराने के बाद यूं निकल जाएगी, ये भी हम कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती है ना, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो गुजरती है, जिस बिंदु से, वो क्या कहलाता है आपका? फोकस, यानी कि एफ कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाता है आपका? फोकस कहलाता है। लिखते किसे हैं? एफ से लिखते हैं। अवतल दर्पण के लिए ना, उत्तल दर्पण के लिए भी देख लीजिए आप। देखो इसकी कौन से ट्रस्ट हो? अंदर की। ठीक है, यहां क्या होता है आपका? पी होता है। ठीक है, ये बन गया सेंटर सी। अब इसको क्या है, थोड़ा यूं इसके साइड बढ़ा दो, मारना ही है, मारने में क्या जाता है? ठीक है, यूं बढ़ा दिया आप उन्होंने। अब क्या हुआ, किरणें कहां से? सॉरी ये गलत बना दिया, वेट वेट वेट, उत्तल दर्प अवतल दर्प उन्होंने दोबारा बना दिया। ऐसे बन गया इस तरह से, बाहर की ओर वक्रित है, ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। सेम प्रोसेस है, बीच का पॉइंट क्या हो गया? ध्रुव केंद्र हो गया आपका, और ये आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये साइड क्या होगी आपकी? पॉलिश की हुई होगी। ठीक है, किरणें आई सीधे इधर से आती है हमेशा, किरणें, ये बात याद रखना, किरणें आई यहां पे आपतित हुई। ठीक है, इधर से किरण आई यहां पे आपतित हुई, लेकिन ये क्या करेगा? अवतल अवतल उत्तल दर्पण है ये। ठीक है, ये अवतल है, इसने क्या किया? एक जगह पे इसको इकट्ठा कर दिया। उत्तल दर्पण है, ये क्या करेगा? किरणों को फैला देगा, यहां जाएगा, आई समांतर आई और मुड़ गई। लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, इसको पीछे यूं मिला सकते हैं, जबरदस्ती मिलानी, मिला दो, मिला दी तो कहां पे मिली? जिस बिंदु पे मिली वो क्या होता है आपका? फोकस होता है। बात होगी फोकस की। अब उसके बाद बात करते हैं अपने फोकस दूरी की। फोकस दूरी, फोकस दूरी को अपने किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं हमेशा। फोकस को बड़े एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। फोकस दूरी ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी दूरी होगी क्या कहलाएगी? फोकस होगी। लिख लेते हैं अपने
ध्रुव व फोकस के बीच बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब बात करते हैं तो होगी फोकस दूरी। अब एक अपना लास्ट बचता है, फोकस दूरी होगी, उसके बाद बचता है अपना द्वारक। फोकस दूरी देख लो, सबसे पहले फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। अब देखो उसने क्या कहा, ध्रुव, ध्रुव का है पी और क्या है एफ, तो इनके बीच की दूरी किसके बराबर होगी, फोकस के, फोकस दूरी के, एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने द्वारक की, द्वारक क्या होता है, आपको जो प्रावर्तक पृष्ठ है ना, प्रावर्तक पृष्ठ कौन सा आपके पास, एम एन, इसकी जो सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। एम एन है जो प्रावर्तक पृष्ठ है ना, देखो एम एन, एम एन है ना, ये जो ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। एम एन हमेशा वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है। तो ये आज की सारी अपनी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद अपने इसका करेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं, आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी सिखाएंगे। आज का टॉपिक फिलहाल कंप्लीट हो चुका है।